कल भारत के अंदर में राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आ गया है। राष्ट्रपति चुनाव में भारत को 15वें राष्ट्रपति मिल गए, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि आदिवासी समाज से आती है, वो भारत की राष्ट्रपति बन गई। इससे पहले भारत को एक महिला राष्ट्रपति पहले भी मिल चुका है, जिनका नाम प्रतिभा पाटिल था। प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था और उन्होंने भी जीत दर्ज किया था। इस राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी जी का मुकाबला यशवंत सिन्हा जी से था। यशवंत सिन्हा जी जो कि पहले 1990 में बीजेपी में थे, बाद में वो बीजेपी उन्होंने छोड़ दिया और वो राजनीति से रिटायर भी हो चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया और टीएमसी ने ही उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था। इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को 64% ज़्यादा वोट मिला है यशवंत सिन्हा जी से। तीन राज्यों में तो यशवंत सिन्हा को 0 वोट मिला है, यानी कि वहाँ के पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही यशवंत सिन्हा जी को नकार दिया। साउथ से भी बम्फर वोट मिला है द्रौपदी जी को, यानी कि पूरे भारत में द्रौपदी जी के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ा है, चाहे वो दल बीजेपी का समर्थन करते हो या नहीं करते हो, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का ही साथ दिया, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार भी शामिल है और झारखंड की सरकार भी शामिल है। द्रौपदी जी की जीत को लेकर के झारखंड और छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला, जिसमें उनके पैतृक गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे और वहां पे लड्डू भी बांटे गए। राष्ट्रपति चुनाव में जीत की घोषणा होते ही प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए। भारत के संविधान की एक खूबी और बताता हूँ आपको। भारत के संविधान के अनुसार जब भी कोई राष्ट्रपति चुनाव जीतता है तो उनका शपथ ग्रहण CJI द्वारा होता है। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो चीफ जस्टिस है वही शपथ ग्रहण कराते हैं राष्ट्रपति का। और जब भी कोई प्रधानमंत्री चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।